This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV. कागज नगर में महर्षि वाल्मीकि के जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने उत्सव मनाया। महर्षि वाल्मीकि के ज्ञान और उनके तेजस्वी चरित्र का पालन करते हुए उन पर आस्था रखने वाले इस समाज में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय वाल्मीकि मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन हुआ। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी जंजोड़ ने सभी को शुभकामनाएं दी। जिले में नए ग्रामीण विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बहाली हुई है। इस पद पर मर्री सुरेंद्र जी की तैनाती हुई है। इससे पहले सुरेंद्र जी कमारेड्डी जिले के डीचपल्ली मंडल के आरडीओ के रूप में काम किए थे। नए अधिकारी को उनके सहायक कर्मचारियों ने स्वागत किया। TSRTC की नई पहल में कल से सिकंदराबाद के रेती फाइल बस स्टैंड पर टिकट के बदले कैश के साथ साथ UPI और QR कोड पेमेंट की भी शुरुआत की गई। लोग अब गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप से भी बस की टिकट खरीद सकते हैं। यदि इस प्रोजेक्ट में सफलता मिली तो इस टेक्नोलॉजी को पूरे RTC में लागू किया जाएगा। बस के अंदर QR कोड स्कैनर लगा होगा, जिसे स्कैन करते ही आप टिकट के पैसे पे कर सकते हैं। कल म्यूनिसिपैलिटी में काउंसिलरों की बैठक हुई। कल इस बैठक में म्यूनिसिपल चेयरमैन सद्दाम हुसैन ने गांधी चौक इलाके के विकास के लिए 12 लाख रुपए जनरल फंड से जारी किए। साथ ही JCB ऑपरेटर की नियुक्ति भी की गई। उसके वेतन के लिए भी फंड की मांग की गई, लेकिन इस बैठक को लेकर ऑपोजिशन पार्टी के काउंसिलरों ने विरोध किया। उनका कहना है कि ये बैठक काउंसिलर हॉल में ना रखकर चेयरमैन ने अपने चेंबर में रख दिया। ऊपर से बैठक उस दिन हुई जिस दिन कमिश्नर छुट्टी पर थे। उनके बिना ऐसे बैठक करना सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे जनता में काउंसिलरों के प्रति अविश्वास पैदा होता है। कल से ESI हॉस्पिटल के पास मौजूद श्री हनुमान जी के मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। इस कार्यक्रम में रामायण का पाठ करने वाले भक्त कुछ देर के लिए जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी करके रामायण का अखंड पाठ कर रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम में जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज शाम तक चलेगी। रामायण पाठ के बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। इस मौके पर काफी भक्त मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, साथ ही रामायण पाठ में भाग भी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में उनके बेटे तो YSR का नाम इस्तेमाल लड़के मुख्यमंत्री बन गए। इधर तेलंगाना में उनकी बेटी शर्मिला भी दौड़ में पीछे नहीं है। वो भी अपनी एक अलग पार्टी बना चुकी है और अभी पूरे तेलंगाना का दौरा करने जा रही है। उन्होंने 4000 किलोमीटर का प्लान तैयार किया है। देखते हैं कि वो कितने वोट निकाल पाएगी। वैसे भी तेलंगाना के राजनीति में काफी उथल पुथल का माहौल है। आज छुट्टी है। कारण है कि आज से 81 साल पहले निजाम की रजाकार फौज से लड़ते हुए कोमरम भीम की मृत्यु हो गई थी। उन्हें गोली लगी थी जिससे कि वो मारे गए। आज उनकी शहीदी दिवस है। आज उनके गांव जोड़े घाट में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। नेता, अभिनेता, अधिकारी, अफसर सभी जोड़े घाट पहुंच कर कोमरम भीम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।